तीन फर्ज। हाँ फर्ज के वो दो नस्ल। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, सारा काम निपटा चुके थे, जूस बनाने जा रही थी, तो बच्चे आ गए थे, यानी कि मारिया और आ गई थी उमरा। तो ये लोग बोल रहे थे कि जब जूस ही बन रहा है तो क्यों ना व्लॉग बनाया जाए और दिखाया जाए कि कैसे हम लोग मिक्स जूस बनाते हैं। तो बस मारिया खड़ी हो गई है बनाने के लिए, उमरा भी साथ में आ गई है, तो चलिए देखते हैं, आज जूस भी बनाते हैं। मेरी छप्पी, आप जूस का व्लॉग बना दीजिए। बहुत ब्लड लग रहा है। हाँ, ये भी सही है। ये सही रहा। हाँ, और क्या देख रही हो, डाइट के लिए फिर क्या करें, जब हम कुछ खाना पीना कम खाएंगे और क्या। तुम भी खाया करो ऐसी डाइट बनाने के लिए, जरूर है दोनों सभी ज्यादा। हाँ, हमें ये दोनों तो हम खा लेंगे, लेकिन ये इसकी तो बदबू से हमें ऐसा लगता है मिट्टी खा रहे हैं। इसकी बदबू, इसकी ऐसा लगता है मिट्टी है। सही है। कितना खो, इसे छो, इसे निकालो बस, इतना इतना बहुत है। और थोड़ा 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 सा, बस बस। दोनों डाल, हाँ दोनों डाल दो। क्या हो उम्रा, मतलब इसने गाजर को भी बिना कटी गाजर बची है। और क्या, ये देखिए जबरदस्ती हो रही है जूस के साथ, ये जूस अंदर ही लेकिन नहीं जा रहा है। जूस के साथ हो रही है जबरदस्ती, ठोके पड़ी है, पिठोके पड़ी है। ये देखिए इंडियन लोगों को कोरियन को तो बस डाल दो, जो भी पीना डाल दो बस। ऐसे कहो कि तो अपना ही खून पी जाए वो लोग, जब सब लोग कप पीते हैं। वो कोरियन नहीं, चाइनीज होते हैं। हाँ, वो जो भी है, जो भी हो इंसान। चलो हो गया आखिरकार। तो बन गया है जूस, पियेंगे उसके बाद पढ़ेंगे नमाज। उमरा और मारिया दोनों को पढ़ने के लिए नमाज के लिए तैयार कर लिया गया है। उमरा और मारिया दोनों जा रही नमाज पढ़ने मेरे साथ। क्या हमने तो चकुंदर गाजर भी था, फिर भी गल। हाँ तो क्या हुआ, चकुंदर गाजर से ज्यादा आपके पास ब्लड है और इसके पास है, मेरे देखो। इसके पास तो भर होगा, पास नहीं है, नहीं है। आपके तो आंखें लाल हैं, तो हम आंखों में ही तो डालते हैं ये, एक गिलास पूरी पूरे आंखों में डालेंगे रात तक। चलो वजू बनाओ, नमाज पढ़ने खड़ी हो आके जल्दी से। आता है वजू करना उमरा? हाँ। तो ठीक है फिर। पहले क्या करती हो सबसे पहले? पहले कुल्ली कर लेती हूँ। जल्दी करो, नमाज की देर हो रही है, मगरिब की नमाज में ज्यादा वक्त नहीं होता है। तो पहले हाथ धो, ठगनों तक हाथ धोना है, तीन मरतबा हाथ धो, समझ गई? धो लिए, ठीक। अब पुली करो तीन मरतबा, हलक तक पानी जाए तो अब नाक की बुलाए हड्डी तक तीन मरतबा पानी, तीन मरतबा मुंह धो। हाँ, फोरहेड होता ना ये ऊपर तक, गर्म पानी है मारिया, थोड़ा ठंडा करो, ज्यादा गर्म हो गया, अब सही है। हाँ आप चलो धो, मुँह धुल गया, तीन मरतबा हो गया, एक मरतबा और करो, दो ही मरतबा हुआ है। हाँ अच्छे से ठीक। अब ये हैंड वॉश करो पहले, राइट राइट राइट। चलो अब ये लो लेफ्ट, अब मसा करो हाथ से पानी लेके, ऐसे करके जैसे करते हैं
हाँ ईयर से करो, फिर मैं पूरी पीछे से यहाँ एक उंगली से जो फिंगर होती है ना ये वाली, उससे कान की सफाई करी जाती है, कान की सफाई पूरी। हाँ तो मारिया को देखो ऐसे कर रही, मारिया ऐसे थम से पूरी ऐसे पीछे तक करो ऐसे, थम से कराता ये थम। हाँ ऐसे हाँ, और ये पीछे वाले हिस्से से गर्दन पे ऐसे करो हाथ, गुड। चलो इतने ठीक है तुम्हारे लिए, पैर दो राइट पहले लेफ्ट पाँच पहुंच जाएगी ऐसे। मारिया पकड़ लो जरा हाथ, हाथ लगा लो नहीं हाँ बहुत सवाब मिलेगा और क्या, मारिया को मिलेगा, मारिया ने वजू कराया। राइट करने के बाद चलिए आप चलो हाँ चलो इसका पैर रखवाओ ऊपर तो दांत नहीं दिखाओ चलो चलो धो के आओ, चलो लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, हाँ भागो चल जाना आवाज बिछाओ। जिधर तुम्हारा है उधर ही हमारा है, इधर नहीं रोज पढ़ा करो जुमे की नमाज, क्या तभी तो आएगा, बाल दिख रहे हैं आगे नहीं, तुम बांधो जल्दी, बांधो जल्दी पढ़ो मैं देर हो रही। हाँ ठीक गुड, अब नमाज तो पढ़ लोगी ना अपने आप, सजदे ही तो करना है दमादम है, नमाज पढ़ लोगी ना। चलो पहले कितनी रकात पढ़ना है पहले, पहले एक उंगली कम कर लो, हाँ तीन फर्ज, दो नसिल नहीं बेटा, दो सुन्नत पढ़ना, फिर दो नफिल, नफिल होती है नसिल नहीं। उमरा ने आज तो नमाज की वो मैं माता कर दी, चलो पढ़ो तीन फर्ज पढ़ो जल्दी जल्दी, तुम लोग फर्ज ही पढ़ लो यही बहुत है तुम लोग के लिए। तो फ्रेंड्स बस बच्चों को नमाज पढ़ाने की वजह से ना थोड़ा सा लेट हो गई थी, बर्तन धोने के लिए बस नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मैं आ गई, जूस के बर्तन रखे थोड़े और थे तो मैंने सोचा चलो धो लेते हैं, और क्योंकि जूस के बर्तन अगर जल्दी नहीं धोएंगे तो फिर वो सारे बर्तन ना उसमें कलर आ जाता है, तो अजीब से येलो येलो कलर से हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने जल्दी से आके जूस के सारे बर्तन धो दिए। और फिर मैं आ गई किचन में, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या मैं बनाऊं, तो आज सना ने मुझसे कहा कि आज मैं नमकीन दलिया बना लूं, तो मैं वो भी बनाने खड़ी हो गई, और शाम में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कुछ हल्का फुल्का कुछ खाने का दिल कर रहा था, तो आज मैं दो तरह की चीज़ें बनाऊंगी, एक तो बनाऊंगी नमकीन दलिया और दूसरा मैं बहुत ही प्यारी सी नमकीन बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, तो वो बनाऊंगी, दोनों चीज़ों की तैयारी करूंगी और आपको दिखाऊंगी और आपके साथ दोनों चीज़ों की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो पहले तो मैं कटिंग करने जा रही थी दलिये की, जो नमकीन दलिया बनाते हैं तो पूरी तरीके से वेजिटेरियन बनाएंगे इंशाल्लाह, आज नॉनवेज बनाएंगे तो फिर वो भी दिखाएंगे आपके साथ, दोनों ही बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो बस मैंने वेजेस कट करी सारी, जो आपके पास अगर सब्जियां हो वो आप कट कर सकते हो, यानी मटर गाजर, आजकल तो टाइम बहुत अच्छा है सारी सब्जियां मिल जाती हैं बहुत आसानी से, मैंने मटर गाजर टमाटर हरी मिर्च मैंने ये वो इस्तेमाल करी हैं, और मैंने थोड़ा सा प्याज भी लिया है जो कि मेरी दोनों रेसिपी में काम आएगा, मटर भी मेरी दोनों रेसिपी में काम आएगी। तो बस ये सारी चीज़ों की पहले तैयारी मैं कर लेती हूँ, इसके बाद मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो ये है हमारी दलिये की तैयारी, और इसमें मैं मैगी मसाला ऐड करती हूँ, ये मैगी मसाला से बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है दलिया, जो बहुत ही ज़्यादा दलिये को टेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना देगा हमारे दलिये को, तो हम ये बनाएंगे। इधर हमने तैयारी कर ली थी और ये अब हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी नमकीन, ये हमारी अप्पी ने मुझे बना के खिलाई थी जब मैं दिल्ली गई थी काफ़ी दिन पहले, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तब से मैं ये कभी ना कभी बना लेती हूँ, जब मटर बिल्कुल फ्रेश आते हैं ना मीठे वाले तब मैं बनाती हूँ। ये फ्रेंड्स पोहा है, जिससे पोहा बनाया जाता है ना, चूरा जिसे बोलते हैं वो है, बस उसको क्या करेंगे, बस 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए उसे ऑयल में फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद उसे निकाल लेंगे, बस तेल को बहुत अच्छे गर्म होना है और गर्म बस तेल में डालेंगे और 10 से 15 सेकंड तक बस उसको फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। देखिए मैं जैसे निकाल ली हूँ बिल्कुल इसी तरीके से, मैंने सारे चूरे को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया, ऑयल ज़्यादा था तो मैंने एक बोल में ऑयल को डाल दिया है, निकाल लिया मतलब, और इसमें थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिया था, इसमें डाल दिया मैंने ज़ीरा और थोड़ा सा प्याज मैंने जो कट किया था वो मैंने ले लिया है, बस इसका कलर चेंज होने तक इसे पकाएंगे।
थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास जो पी रखी थी यानी मटर, वो मैंने शामिल कर दी है। ध्यान रहे जो मटर हो ना वो थोड़ी फ्रेश होना चाहिए ताकि जो चाट हमारी ना वो और भी ज़्यादा मज़ेदार बने। बस इसमें मैंने दो हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया और हरा धनिया भी मैंने इसमें चॉप करके डाल दिया ताकि फ्लेवर बहुत ही यमी यमी सा आए। बस वो डाल देंगे और इसे मटर को गलने का वेट करेंगे। जब तक हमारी मटर गलेगी तभी हमारी समझ लीजिए ये नमकीन बनके तैयार होगी। तो फ्रेंड्स बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, इसके साथ मटर बिल्कुल गल चुके हैं और मैंने जो चूरा लिया था ना वो मैंने शामिल कर दिया। पानी लेकिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हाई फ्लेम करके पानी को बिल्कुल ड्राई कर ले, इसके बाद चूरे को मिक्स करें और ये हमारी नमकीन बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स किया था और नमकीन हमारी रेडी हो गई है। बस हम क्या करेंगे, एक बोल में या प्लेट में हम इसे सर्व कर लेंगे और गर्मा गर्म खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगी और बहुत ही ये क्रिस्पी है, मज़ेदार है, डिलीशियस है। आपके घर में सबको इंशाल्लाह अच्छी लगेगी, आप लोग ज़रूर एक बार इसे ट्राई करिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत अच्छी लगेगी, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो बस मैं लेके आई, सना का मैंने वेट किया लेकिन सना अभी आई नहीं थी तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करने लगी थी। तो मैंने जब खाया तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, बस खाती जा रही थी, मतलब रुकी ही नहीं रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी मुझे अच्छी लग रही थी। और मैं सना का वेट भी करती जा रही थी, मैंने आवाज़ भी लगाई एक दो सना को, सना जल्दी आ जाओ, लेकिन वो पता नहीं कहाँ पर थी, थोड़ा सा टाइम लग रहा था। मैंने खा लिया और खा के बराबर उसको करके रख दिया, पानी वानी पी लिया। मैंने सोचा जब आएगी तो मैं बोल दूँगी चलो साथ में दोनों लोग खाते हैं। तो फ्रेंड्स बस खाने पीने के बाद ना थोड़ी देर मैंने आराम किया, इसके बाद मैं आ गई हूँ दलिया बनाने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बस उसके लिए मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर, उसमें लिया है थोड़ा सा तेल, ज़ीरा ऐड किया है और एक प्याज मैंने ली थी उसे बारीक चॉप करके डाला और इसे बस इसका कलर चेंज होने तक मैं इसे पकाऊंगी। बस फ्रेंड्स कलर चेंज हो गया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसमें शामिल किया है, इसके बाद इसे मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। बस टमाटर को मैंने हल्का सा चलाया, इसमें नमक इसमें शामिल कर दिया, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल किया और इसे मिक्स किया। बस 3 से 4 सेकंड तक ये पका है, इसके बाद ना मैं इसमें डाल दूँगी मैगी मसाला जो कि मेरे दलिये को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देगा। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया। फ्रेंड्स ये दलिया ना बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन का है, बहुत ही ज़्यादा इसमें फाइबर है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो ये मैं अपनी डाइट में ज़रूर लेती हूँ। और इसके बाद ना इसमें सब्जियों को शामिल कर दिया मैंने, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हो, जो ना खाते हो उसे स्किप भी कर सकते हो। फिर इसमें मैंने पानी ऐड किया और दलिये को, दाल को धो के इसमें शामिल कर दिया। पानी अपने हिसाब से रखेंगे, नमक इसमें शामिल मैं कर ही चुकी हूँ, आप चाहे तो इसमें टेस्ट भी कर सकते हैं नमक को। इसके बाद इसको तो पकने रख दिया, 4 विसल आने तक इसे हम पकाएंगे, जब तक मैंने सोचा चलो किचन की थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। धनिया को कट करना था, धनिया इसमें ना अच्छे से जाएगा और सन्ना को धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ना बहुत अच्छे से धनिया इसमें शामिल भी कर देती हूँ। दलिया हमारा बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा यमी बना है। 4 विसल आने तक मैंने इसे पकाया था। बस इसमें ऐड कर देंगे धनिया जो कि बिल्कुल फ्रेश है और बस हमारा दलिया बनके तैयार हो गया। भूख बहुत तेज़ लग रही है, मैं इसे सर्व करूँगी और इसके बाद आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैंने नींबू इसमें काट के रखा है और प्याज, इसके साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा यमी लगेगा हमारा दलिया, बिल्कुल हलीम वाला टेस्ट आता है इसमें। ये वेज के साथ है और जब नॉन वेज के साथ हम बनाते हैं यानी चिकन मटन कुछ भी इसमें शामिल करते हैं उसकी रेसिपी अलग है, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो निकाल लिया है मैंने सना के लिए और अपने लिए। मैं इसमें थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ज़रूर शामिल करूँगी, गरम मसाले से ना बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी बहुत ही यमी यमी आता है। तो बस ये है हमारा होममेड गरम मसाला जो मैं डाल के खाऊँगी, बहुत अच्छा लगने वाला है आज। तो कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा, इसके बाद मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा ये दोनों चीज़ें आपको कैसी लगी हों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ कर दें। कमेंट किया करिए, आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चलती हूँ, दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।